कितनी डरा जो तू और दीजो सांप दोबारा दीजो भाई। अब ये सांप मैंने खरीद लिया है, इसलिए जा रहा हूँ घर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चौधरी यूपीबी। भाई सुबह हो गई है, मैं उठ गया हूँ और ज्योति मेरी खातर लेके आई है भाई साहब एप्पल दूध बेसन के लड्डू। हाँ जी गुड मॉर्निंग, देखो भाई जीतल का गीता माँ ओ जी ओ यार क्या कर दिया तले ओ भाई इसकी दाढ़ी आज देखी कितने दिनों बाद गई कहाँ डेढ़ दो साल में काटी है मैंने दाढ़ी बराबर घास छील दियो जा क्या मजबूरी थी भैया इले ऐसे कर ले और चिपकू सन लगे थोड़ा फंकी से बन जा रखू ऊपर दे कम से कम अब अच्छा तो लगेगा। पहले ना तो पतला था भाई साहब, इसके मुंह से मेरा आईफोन XR था उसका फेस लॉक अनलॉक हो जाता था भाई। नाश्ता कर लो, सुबह खिचड़ी शाम खिचड़ी था ना, खिचड़ी खिचड़ी मचा दी कती भाई। फुल डाइटिंग पे हूं, फुल डाइटिंग पे। आज वजन कम दिख रहा जी तो सच्ची। मैं और ज्योति दोनों जा रहे हैं दिल्ली। मलूक कितना लग रहा है ऐसा, मैं मलूक लग रहा हूँ। मैं और ज्योति दोनों जा रहे हैं दिल्ली और तू हमें छोड़ दे राहुल के पास तक। राहुल भी है साथ में, हम घूमेंगे अक्षरधाम। हमें तो हाईवे पे छोड़ दे, उधर से राहुल आ जाएगा। तो आप तो रेडी होकर मिलते हैं और फिर मैं राहुल ज्योति और एक राहुल का दोस्त है पंडित, हम चार पांच लोग जा रहे हैं। ठीक है जी। अरे कहाँ चले गए, यहीं अभी। ठीक है रेडी होकर आते हैं। हाँ जी हम हो गए रेडी, अब नीचे जाएंगे खाना खाएंगे। मम्मी ने बनाई है कढ़ी बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी वो खा के सीधा निकलते हैं। ठीक बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। लो जी मम्मी ने बनाया बाजरे की रोटी कढ़ी, गुड मौज हो जाएगी भाई साहब। और यह बाजरे की रोटी मेरा तो हो जाएगी। खाया कड़ी। नमस्ते नमस्ते भगवान को। सब्जी इसी में डाल दी मैं, खा लिया। ठीक है मम्मी भाई, ये वापस करना है ना और वो जूते वापस करने हैं। चाबी कहाँ गाड़ी की? स्टैंड है जो हमने लेके आए थे वापस कर दिया है। टू रैक तो सारा कुछ जोड़ लेंगे ना हम। सब चीज़ें पहिया हैं इसमें। ठीक है रख दे यार, थैंक यू। नमस्ते, हम आ गया राहुल के दौरे। पंडित के गैल रह के सुधर वाला गया यूं। पंडित नहीं सुधार हो गया, सब रो सुधार दियो। चलो भाभी राम राम। राम राम जी। मैंने पाम लिए भाभी का के। ओ भैया ओ भैया नाम चढ़ गया है। कहाँ गाड़ी करूँ? लो जी हम चल दिए सीधा अक्षरधाम के लिए। राहुल चला रहा गाड़ी, अब पहुँचेंगे या नहीं पहुँचे। अच्छा भरोसा ना हो भाई हमारे साथ पंडित जी। हाँ भाई कहाँ है? सैंडी कह दे। सैंडी कह दे तो कौन दोबारा की दुबका रखे थे पीछे हटी सो गई हमारी तो इकलौती सो जा ऐसे सो जा चुपचाप सो जा पीछे से ऐसे सोती रहे। अक्षरधाम घुमाएंगे आपको हम आज। अक्षरधाम में तो अलाउड नहीं है फोन यार, क्या फायदा। अक्षर बाहर बाहर अलाउड, अंदर अलाउड नहीं। और यहाँ पे हमारा पंडित तो भाई बार बार से बता देंगे और जो अंदर देखा वो कितने पतले पतले देखियो जो घर तेरे वापस डे लिया है। जवाब भी ना दियो भाई साहब। भाभी पतले रहो और ले ले अलग ये है अक्षरधाम मंदिर, मैंने 10th क्लास में गया था। हाँ जी वेलकम टू अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। राहुल चौधरी, राहुल चौधरी ड्राइवर साहब। और भाई यहाँ पे आपको बता दूँ दिल्ली में है अक्षरधाम, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे। और यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, बेल्ट अलाउड नहीं है, कुछ भी सामान अलाउड नहीं है, सिर्फ पैसे और पर्स ले जा सकते हो आप और सिर्फ हम अलाउड हैं। और जब भी आओ टाइम निकाल के आओ, बहुत अच्छी जगह है। मैं पहले भी आ चुका हूँ बट ये सब लोग पहली बार आ रहे हैं तो बताता हूँ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का और आपको कैसे आना है। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो कैमरा, पावर बैंक, सभी इलेक्ट्रिक उपकरण, सभी बैग, लेडीज पर्स, छाता और खाद्य पदार्थ
कुछ भी अलाउड नहीं है ओके। बाकी जमा करने के लिए यहाँ पे डस्टबिन, सॉरी जमा करने के लिए सबसे पहले एंट्री करके आप टॉयलेट कीजिए, हाथ साफ कीजिए, आपका डेट यहाँ से 2-3 लाइन लगी हुई हैं उसमें एंट्री कीजिए और अपना सामान वहाँ पे जमा करा दीजिए। दिस इज द कंफर्म फर्स्ट फिल, दिस आर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड विच द फर्स्ट सेक्शन डेट एंड मंथ एंड ईयर। सीट सिखा दी ना, सिखाई क्या है, किन तारीख है, खाली बारी है, सीट इन बन रहा है अरे दो भाई आंदो गरम रेस्ट टू भाई, पर्स भी रखते हैं इसमें, मोबाइल फोन ओनली मोबाइल फोन, ये सब हाथ में ले लो भाई। यहाँ बहुत सारी लाइन लगी हुई है, ए लगभग 7 लाइन लगी हुई है, यहाँ पे अपना मोबाइल जमा करा दो और क्या कर रहे हो जी अक्षरधाम, आओ अपना मोबाइल पर्स सब जमा कराओ, अगर लेके आए तो नहीं तो गाड़ी में रख के आओ, और इसे जमा करने के बाद अपना फ़ोन ये वाला भी हम जमा कर देंगे और सब अंदर घूमेंगे, जितना भी एक्सपीरियंस होगा आपके सामने शेयर करेंगे बाहर निकल, तो बने रहिएगा। अपना टोकन बाद में यहाँ दिखा के आप सामान ले सकते हो, हम आ गए हैं बाहर। हाँ जी दर्शन हो चुके हैं, कैसे दर्शन हुए सही बताइए, सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको? वो तो आज पता लगी मेरी इतनी वैल्यू, देखो चल तू डिस्क्राइब में बता दे कि क्या क्या हुआ अंदर स्टार्टिंग से। पहले जो मंदिर है उस वो दर्शन करो, देन वहाँ पे टिकट है, डे शो चलता है कि नाइट शो चलता है तो उसकी टिकट लो, टिकट लेने के बाद वहाँ पे 15 मिनट वेट करो, देन एंट्री होगी और छोटे छोटे 10-15 मिनट के शो चलेंगे, उसमें आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहोगे और एंड में जाकर एक सबसे अच्छा शो जो हमको लगा वो क्या था, वोट वाला, वोट जाती है पानी में और तुम्हें वैदिक काल के दर्शन करा देती है कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे और वहाँ से स्टार्ट होते 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 1800 तक ले आती है हमें कि आज के ज़माने के लोग कैसे रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। आओ और ज़रूर टाइम दो यहाँ पे और दर्शन करो, बहुत ही अच्छा मन लगा। सबसे अच्छी बात एक वाटर शो छोड़ दिया हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, और तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तुम आराम से मस्त रहोगे, मोबाइल को अलग रख के पूरा एंजॉय करोगे, एंजॉय अंदर करो, खाने पीने का सब आराम से मिल जाएगा अंदर। ठीक है जी अब निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं उसके बाद घर, ओके मिलते हैं बाहर जाके, बाय बाय। हाँ जा जो इतनी वेलकम, बाहर इतनी सर्दी है भाई, मज़ा आ गया, पूरी गर्म हो रखी गाड़ी, ये कैसी है यार लाइट नीली नीली सी है ना, हमारी जैकेट हमारी वाली गाड़ी में रहेगी जो कि पलवल खड़ी है, तो वहाँ जाके वो जैकेट पकड़ेंगे। अब प्लान बताओ कहाँ चलना है, ज्योति लग रही सर जी, भाई इतना ट्रैफिक हम तो कहीं नहीं घूम पाए, बस ये गज्जक खा रहे हैं बीच में 10 मिनट तो खड़े खड़े हो गए यहाँ भाई, आधा घंटा पंडू ज्योति ज्योति फिर गिर दियो, रोन बाबू खाना चढ़ जाए, ज्योति उठियो चल, ज्योति ना अपना बेच दियो नाली खरीदो हमें बेच दियो ज्योति ज्योति मेरी कसम तो 3 दिन उठी था, 1-2 पावर ऑफ कसम चल के नक फिर उन्होंने सब फेंक दिए ज्योति आप ना बोलेंगे तो ए डरपोक कितनी डरा ज्योति तू, और दीजो शाम दोबारा दीजो थैंक यू दोबारा थैंक यू, बात अलग चीज है कछ बात से डर जाएंगी पता, फेंक दो फेंक दे फेंक दो फेंक दो फेंक दे ला ब्रो चलो तगड़ो ए ना ए फेंक दे कहां बताऊं, ज्योति फोन में लगी हुई थी अपने में और पंडित ने चुपचाप देख लिया, बाहर सांप बेच रहा था, पंडित ने मेरी तरफ इशारा करा, मैं ज्योति से बातों में लग गया, चुपचाप खरीद गया, पंडित ने पीछे बैठ गया क्या बात है पंडित, सॉरी बैंकर प्लानिंग है ले ले सॉरी भाभी गुस्सा हो गई और ज्योति को पता है अब भी डर जाएगी भाई साहब,
भाई साहब क्यों नेचुरल सा लग रहा है भाई। अब ये सांप मैंने खरीद लिया, इसलिए जा रहा हूँ घर, मम्मी के साथ प्रैंक करूंगा, दादी के साथ करूंगा, और आज तो सो जाएंगे, कल करता हूँ इसके साथ प्रैंक, मजा आ जाएगा भाई। कौन बोल रहे हो? हाँ कैसे हो? ओ भाई क्या आवाज निकालो लड़की की। क्या हेलो मैं, अरे शुद्धि क्या, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ ही रहा हूँ, आ रही हूँ। हाँ जी हम आ गए अपनी गाड़ी में, वो पीछे पीछे हैं, पलवल आ चुके हैं, पलवल में एक नया होटल दिख रहा हूँ, बहुत दिनों से बड़ा अच्छा लग रहा है, वहाँ पे हम डिनर करेंगे, और हम ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि भाई रात हो गई, निकले हम इतना लेट थे, मुझे लग रही है बट कोई नहीं, अक्षता में बहुत अच्छा मन लगा और ठंड लग रही है, और इसने मेरी जैकेट डाल लिया। तो ज्योति कैसा लगा आज तो दिल्ली घूम के? दिल्ली कहाँ घूमा, हाँ तो अक्षता मंदिर भी तो बढ़िया था, जो भी घूमा सही ना, वो तो बहुत बढ़िया था। हाँ डिनर करेंगे, तेरे को जो पसंद है वो खा सकते तू आज, कहीं नहीं खाने। क्या यार वो पता ही बच्चों वाली चीजें खाती है, क्या क्या खाती है तो पाव भाजी खा लो, वो खा लो, कचौड़ी खा लो, तो अच्छी चीज खा ले, हेल्दी खा ले, और चल ठीक है। ये मशरूम मसाला है, कौन सी आइसक्रीम लपेट रहे हैं, तुझे आइसक्रीम की क्या दर्द थी, तो खुद ही मीठा है, भाभी के लिए ली हो क्या? यार डालो बाबा, तू डालता है बता, और पीछा अगर तो इतना कटवाई तो बताइए। मैं खाता नहीं भाई, तुम कह रहे हो ना इसलिए खा रहा हूँ, ऊंची दुकान फीके पकवान भाई, राम की चीज अच्छी है, इसलिए खराब थी, और बाकी सब्जी ठीक है, और इतना ज्यादा खास नहीं है खाना, हाँ मीडियम है। देख दूसरी कटोरी चल रही है, एक खाली कर दी, तो मतलब है तेरा भी ना धो रहा है, हाथ की बात कर रहा हूँ भाई मैं, तुम बिना मतलब की खाना खा के हाथ धोया, खाना खा के हाथ धो, ठीक है भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ घूम के, ठीक है राहुल चले भाभी, भाई राहुल तेरी बेइज्जती करी उसके लिए सॉरी, 5000 रुपए उसके लिए सॉरी। और ये हमारे फनी अंकल जी, बहुत मजा भाई, इनकी स्माइल बड़ी क्यूट है, थैंक यू थैंक यू, इकलौती धर्म मेरी जान मेरी आन मेरी शान। ठीक है भाई चलते हैं, बाय बाय, मस्का लगाते लगाते तू भी हो गया परेशान भाई, रात के बज रहे हैं 11:11 और गेट बंद है, ज्योति खोलने गई है। हाँ जी हम पहुंच गए घर, ज्योति बैग वैग सेट कर रही है, तो भाई थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर ब्लॉग देखा है आपका, तो ऐसे ही बने रहिएगा, बाकी गुड नाइट टेक केयर बाय बाय, ऐसे ही बने रहिएगा, और कल का जो कल का ब्लॉग आएगा तो उसमें क्या आएगा कि पिंकी पिंकी को लेने हम जाएंगे, और पिंकी रहेगी 5-7 दिन घर पर, तो कल के ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा, बाकी बाय बाय गुड नाइट थैंक यू सो मच।